हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासवेट एजुकेशन। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं उस वैकेंसी के सिलेबस के बारे में जो कि हाल ही में एमपी में निकाली गई थी। दोस्तों, इसकी लास्ट डेट भी निकल चुकी है। दोस्तों, ऐसा कि आप सभी को मालूम है कि जो वैकेंसी अभी हाल ही में एमपी में निकाली गई थी वो थी हमारी दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत राज्य शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत ये वैकेंसी निकाली गई थी। दोस्तों, इसमें जो वैकेंसी आपकी निकाली गई थी वो आप सभी को मालूम है, आपको बताइए तो हम शॉर्ट में इसमें दो वैकेंसी आपकी निकाली गई थी। एक थी आपकी तकनीकी विशेषज्ञ यानी कि सिटी मिशन मैनेजर की, और सेकेंड आपकी सामुदायिक संगठक यानी कि कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर की। अब दोस्तों, इसमें जो आपका रिजर्वेशन वाइज यानी कैटेगरी वाइज जो वैकेंसी थी वो आप सब यहाँ पर आप देख सकते हैं, नोटिफिकेशन में आपकी पड़ी हुई हैं, आप यहाँ पे डाउनलोड करके से देख सकते हैं डिटेल में, ठीक है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इसके, हम सिलेबस के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, सिलेबस के बारे में इसलिए हम बात करेंगे क्योंकि दोस्तों इसका सिलेबस है मेरे हिसाब से यूट्यूब पे कहीं पे मिल भी नहीं पा रहा, और दोस्तों इसका जो क्योंकि इन्होंने नोटिफिकेशन दिया, नोटिफिकेशन में भी इन्होंने सिलेबस को डिटेल में नहीं बताया हुआ, इन्होंने सिर्फ शॉर्ट में बता दिया कि बताना पूछेंगे, ठीक है। तो जैसे कि आप सभी को मालूम है कि इसमें सिलेबस इन्होंने दे के रखा हुआ है, अब आप यहाँ पर नीचे आएँगे, स्क्रॉल करेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पर 13वें नंबर पर सिलेबस आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसमें उस तो लिखा हुआ कि आपको 65 मार्क्स का जो पूछेंगे क्या विज्ञापन पद से संबंधित विषय में अधिकतम 65 अंक, यानी कि दोस्तों आपने जो भी वैकेंसी के लिए आप अप्लाई करेंगे यानी जो भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे, चाहे आप सिटी मिशन मैनेजर के लिए करते हैं या फिर आप कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर यानी कि सामुदायिक संगठक के लिए करते हैं, उससे आपका 65 अंक का पेपर जो है पूछा जाएगा, और 15 अंक आपका कंप्यूटर पूछा जाएगा, एवं शेष 20 अंक में आपका रीजनिंग, मैथमेटिक्स और एप्टी रीजनिंग यानी कि जीके आ जाएगा, इंग्लिश आ जाएगा, ये सब आपका 20 नंबर में आपका पूछा जाएगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे एक सभी कन्फ्यूजन है कि उन्होंने 65 अंक जो लिख दिया है विज्ञापित पोस्ट जो है इससे संबंधित पूछा जाएगा, यानी कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर का अगर आप फिलअप करते हैं तो उससे रिलेटेड आपके लिए चीज़ पूछी जाएगी। तो दोस्तों, लेकिन यहाँ पे समस्या है कि 65 अंक में हम क्या क्या टॉपिक पढ़ें। दोस्तों, आज यही वीडियो इसलिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कि इसमें आपको डिटेल सिलेबस की जानकारी मैं आपको दे पाऊँ, ठीक है, और आप उसकी प्रिपरेशन जो है कर पाएँ। तो दोस्तों, चलिए हम चलते हैं सिलेबस के बारे में। दोस्तों, ये जो सिलेबस आप देख पा रहे होंगे पीडीएफ फाइल मैंने आपके लिए बनाई है, कुछ टॉपिक निकाले मैंने आपके लिए जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जो कि आपके कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर, ठीक है, यानी कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर के लिए अगर आपने फेल किया तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, और उस टॉपिक जो मैं निकाले हूँ यही आपके पेपर में पूछे जाएंगे, ठीक है। जिसमें उस तो पहला जो आप देख पाएंगे इसमें सिलेबस में पहला टॉपिक आपको दिया गया है समाज कार्य का उद्देश्य एवं मान्यता, यानी कि आपका जो सोशल साइंस सोशल वर्क होता है उससे रिलेटेड आपको उसका उद्देश्य पढ़ना है, उसका अर्थ क्या होता है, उसकी मीनिंग क्या होती है, उसकी परिभाषा डेफिनेशन वगैरह जो है आपको उसके बारे में पढ़ना है। सेकंड आपको पढ़ना है समाज कार्य के इतिहास यानी सोशल वर्क जो होता है इसका इतिहास, यानी कि इंग्लैंड, अमेरिका और भारत, यानी कि हम हिस्ट्री में अगर हम बैक जाएँ तो उस टाइम पे सोशल वर्क जो होता था वो इंग्लैंड में किस प्रकार का होता था, अमेरिका में और हमारे भारत में किस प्रकार से चीज़ विद्यमान थी, ठीक है। और फिर समाज कार्य के दर्शन हम पढ़ेंगे थर्ड टॉपिक में। तो समाज कार्य के दर्शन का मतलब ये कि दोस्तों यानी कि समाज कार्य को लेकर अलग अलग वैज्ञानिक जो हुए या फिर अलग अलग दर्शन शास्त्री जो हुए इन्होंने क्या अपनी राय सभी कम्युनिटी के सामने समुदाय के सामने रखी, ठीक है। और नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं व्यवसाय के रूप में समाज कार्य, यानी कि ये जो समाज कार्य होता है सोशल वर्क, यानी कि इसको अगर हम एज ए बिजनेस से कर लें तो बिजनेस के तौर पर हम इसे किस रूप में पढ़ेंगे, इसका क्या उद्देश्य है, इसके क्या लाभ हैं, क्या हानि है, ठीक है। इसमें दोस्तों हम देखें तो इसमें हमारे एनजीओ वगैरह जो आपने सुने होंगे एनजीओ वगैरह, तो ये सभी भी क्या हमारे समाज कार्य हैं सोशल साइंस के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है। अब इसमें दोस्तों आ जाता है व्यक्तिगत सेवा कार्य, यानी कि कुछ व्यक्तिगत पर्टिकुलर किसी व्यक्ति को लेकर हम सेवा करते हैं। समूह कार्य यानी कि किसी एक चीज़ का हम ग्रुप बनाते हैं, ठीक है, उसे हम समूह कार्य बोलते हैं। और दोस्तों मेन टॉपिक जो आपका आएगा वो दोस्तों आपके यहाँ पे 7वें नंबर से आपके चालू हो जाएंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों आपकी जो पोस्ट है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर की वो आपकी सामुदायिक संगठक की है। तो इसमें सामुदायिक संगठन क्या होता है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसके बारे में पढ़ना, इसके प्रकार, ठीक है। और 8वें नंबर पर हम पढ़ेंगे समाज कल्याण के प्रशासन, यानी कि सोशल वर्क जो होता है समाज कल्याण, यानी कि समाज कल्याण के लिए क्या क्या प्रशासन यानी कि सरकार क्या क्या इसके लिए सुविधा देती है, क्या क्या इसके लिए उपक्रम चलाती है, ठीक है, क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कराती है जन कल्याण के लिए, ठीक है। और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें समाज कार्य के शोध, यानी कि समाज कार्य जो है इसको लेकर क्या क्या चीज़ अभी तक शोध किए गए हैं और क्या क्या शोध चल रहे हैं या फिर क्या क्या प्रक्रियाएँ इसके लिए चल रही हैं।
और सामाजिक क्रिया में भी हम यही सब चीज़ चलेंगे, यही सब चीज़ें पढ़ेंगे जो कि हमारे समाज में चल रही हैं, कुछ प्रथाएं हैं इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे, जैसे कि दहेज प्रथा हो गई, बाल विवाह प्रथा हो गई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो उसके जो दस टॉपिक जो आपके सामने मैंने दिए हैं, इन दस टॉपिक में से ही क्या होगा आपका सामुदायिक संगठक का सिलेबस जो है आने वाला, इसे क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे जो कि आपके 65 मार्क्स के होंगे, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।